दोस्तों, भारत ने जब से आत्मनिर्भर बनने की कसम खाई है, तब से ही हमारी धरती कई खजाने उगल रही है। अभी तक भारत इन चीजों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहता था और आए दिन ये देश अपनी दादागिरी दिखाते थे, लेकिन अब भारत ने इनकी दादागिरी पर लगाम लगा दी है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पहले लिथियम मेटल का अपार भंडार मिला था और अब भारत के हाथ एक ऐसी तकनीक लगी है जिससे आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल का दाम कोड़ियों के भाव रह जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल आज के समय में लोगों की जरूरत बन गए हैं और इनकी कीमत दिन पर दिन इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि भारत को इसे दूसरे देशों से इम्पोर्ट करना पड़ता है। लेकिन ये चिंता भी जल्दी खत्म होने वाली है क्योंकि भारत ने एक ऐसे तेल का कुआं खोद निकाला है जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने की बजाय घटती हुई नजर आएगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये तेल का कुआं क्या है और जमीन में 70% पानी होने के बावजूद भी तेल कैसे निकाला जाता है। तो बने रहना वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आपको आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। दोस्तों, यूक्रेन और रूस की लड़ाई से पहले हर एक देश अपने लिए एक ऐसे विकल्प की तलाश कर रहा था जो फ्यूचर में तेल जितना सस्ता और सुरक्षित हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि जब इन दो देशों के बीच जंग की शुरुआत हुई तो रूस ने तेल को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से हर किसी देश में हाहाकार मच गया और हर कोई अपने लिए एनर्जी सोर्स का इंतजाम करने लगा। हर देश एक दूसरे से बेहतर करने में लगा हुआ था और भले ही भारत पर इस जंग का असर ना पड़ा हो, लेकिन भारत ने फ्यूचर को देखते हुए एनर्जी सिक्योरिटी की इस दौड़ में शामिल होने का फैसला लिया। एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स सोलर और विंड को माना जाता है, लेकिन इनको लगातार इस्तेमाल करके इनसे एनर्जी लेना एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। वैसे न्यूक्लियर एनर्जी भी एक विकल्प है, लेकिन ये बहुत ही जोखिम भरा हुआ है और इसीलिए हर कोई इस ऑप्शन को छोड़ना ही पसंद करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल भी मौजूद है, लेकिन ये पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में अभी भी बहुत पीछे हैं। इन्हीं सब चीजों को हल करने के लिए भारत सरकार ने कुछ दिन पहले ही एक मिशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। इसमें सरकार ने करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस मिशन को इसलिए स्टार्ट किया गया है ताकि हाइड्रोजन की मदद से घरेलू क्षमताओं में सही से विकास हो सके। हाइड्रोजन एक ऐसा सोर्स है जो अर्थ पर आसानी से मिल जाता है, लेकिन ये अपने नेचुरल और प्योर फॉर्म में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए अब ग्रीन हाइड्रोजन की शुरुआत की जा रही है जिससे आने वाले समय में बहुत फायदे होने वाले हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से मिली वो हाइड्रोजन होती है जिसे बनाने में विंड या फिर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। पर यूनिट के हिसाब से हाइड्रोजन में ज्यादा एनर्जी पाई जाती है और यही वजह है कि इससे एकदम क्लीन और प्योर एनर्जी मिलती है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत से देश हैं जो इस ग्रीन हाइड्रोजन का सहारा ले रहे हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैस से छुटकारा मिल सके। ये जीवांश में ईंधन की निर्भरता को कम कर देता है, इसलिए हर एक देश इस ग्रीन हाइड्रोजन का ही सहारा लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ग्रीन हाइड्रोजन ही क्यों? तो आपको बता दें कि ग्रीन हाइड्रोजन को एक सस्ता और टिकाऊ एनर्जी का सोर्स माना जाता है जिससे एमिशंस ना के बराबर होती हैं। भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए 19,744 करोड़ रुपए का बजट बनाया है, जिसमें करीब 17,490 करोड़ रुपए उत्पादन से जुड़ी हुई स्कीम्स और पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए हैं। भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्ट करने के लिए भी बहुत सपोर्ट कर रही है, जिसके लिए सरकार भले ही कम समय के लिए लेकिन इलेक्ट्रोलाइजर पर इम्पोर्ट टैक्स माफ करने का विचार बना रही है। सरकार के मुताबिक उन्होंने 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन का टारगेट रखा है। आपको बता दें कि एक हाइड्रोजन प्लांट से करीब 500 टन हाइड्रोजन बनाया जा सकता है। इसके अलावा ईस्टर्न रीजन में कई सारे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्लांट लगाए जाने हैं। यहाँ पर खेती करने वाले किसान खेती के बचे अवशेषों से हाइड्रोजन का उत्पादन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी वो सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। साइंटिस्टों ने बताया कि जहाँ खेती से आज हमारी रोज की चीजें पूरी होती हैं, वहीं अब ये हाइड्रोजन बनाने में भी काफी मदद कर रही है। जहाँ पहले किसान खेती करने के बाद जो भी अवशेष बच जाता था उसे जला दिया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि अब हम इन अवशेषों से हाइड्रोजन बनाने का काम कर सकते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि 1 लीटर पेट्रोल की एनर्जी के बराबर का जो ग्रीन हाइड्रोजन होगा वो हमें 25 रुपए कम में मिल जाएगा। आने वाले समय में इसका रेट पेट्रोल से बहुत ही कम देखने को मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि आखिर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।
तो आपको बता दें कि गाड़ियों में ऐसे फ्यूल गैस लगाए जाएंगे जिसे आप एक बैटरी की तरह भी मान सकते हैं, जिसके अंदर एक एनोड और एक कैथोड नाम के रोड लगे होंगे, जिनकी मदद से केमिकल प्रोसेस होता है और फिर एनर्जी पैदा होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। और आपको क्या लगता है कि ग्रीन हाइड्रोजन गैस के बाद पेट्रोल भारत में बिकेगा या फिर पूरी तरह से बंद हो जाएगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञानसम को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन, एज ऑलवेज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।